सब्सक्राइब करें स्टडी मंथन चैनल को और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए इस बेल के आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी मंथन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडियन बैंक पीओ प्री का वो एग्जाम पेपर जो है हुआ था 21/1/2017 में। ये एग्जाम पेपर है बेस्ड ऑन मेमोरी। अभी इंडियन बैंक का जो एग्ज़ाम होना है प्री का, वो 6 तारीख को होना है। तो इसके बेसिस पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा था और क्या एक्सपेक्टेड पेपर आने वाला है, क्या चेंजेस हो सकता है, क्या चेंजेस नहीं हो सकता है। ये सारे का सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। आप जाकर के वहां से आप हमें उस पे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश सेक्शन में क्या आया था। फ्रेंड्स, अगर इस पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.studymanthan.in पे जा करके आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर न्यू में जाकर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश कैसा था। तो इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर शुरू में यहाँ पर आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में आजकल जो टाइमर सेट है, पहले जो सबसे पहला सेक्शन खुलता है वो इंग्लिश का होता है, उसके बाद आपका रीजनिंग का होता है और लास्ट में आपका क्वांट का होता है। जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार जो है इंग्लिश का पेपर, रीजनिंग का पेपर, क्वांट का पेपर सारा इकट्ठा था, 1 घंटे का टाइमिंग था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से था। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर एक इकोनॉमी बेस्ड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इकोनॉमी बेस्ड एक पैराग्राफ आया हुआ, पैसेज आया हुआ है यहाँ पर। उस पर बेस्ड आपके दस क्वेश्चन हैं जिसमें आपका सेम मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग है। ये सारी की सारी चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ना होकर के साथ ही क्वेश्चन हो। एरर्स देखिए यहाँ पर काफ़ी सिंपल हैं। नए पैटर्न के एरर देखने को मिल सकते हैं इस बार वाले आपके एग्ज़ाम में, जैसा कि आप SBI प्री में देखा था आपने। ये देखिए सारे के सारे एरर्स हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लास्ट में 10 नंबर का क्लोज टेस्ट, यानी कि 10 नंबर का आपका एरर, 10 नंबर का आपका RC और 10 नंबर का क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट फ्रेंड्स काफ़ी इजी हुआ करता था पहले। अभी क्या है, थोड़ा सा टिपिकल आने लगा है एग्ज़ाम में। क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा टिपिकल आने लगा है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लोज टेस्ट ना होकर के क्लोज टेस्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो टोटल न्यू पैटर्न का चीज़ें फॉलो करिए आप। जैसा आप SBI PU का प्री अगर आपने दिया होगा तो उस प्रकार से आप पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंडियन बैंक पीओ प्री के एग्ज़ाम में। अब देखते हैं हम लोग क्वांट की बात। क्वांट में देखिए मिसलिनियस आया हुआ है, सीरीज़ आया हुआ है, इनइक्वालिटी आई हुई है और आपका एक DI आया हुआ है, काफ़ी सिंपल सा DI है, और अप्रॉक्सीमेशन और एक और DI है। तो दो DI, मिसलिनियस, अप्रॉक्सीमेशन, इनइक्वालिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्वांट में आई हुई हैं 2017 के पेपर। अब बात करते हैं 2018 में क्या आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, 2018 में जितना भी एग्ज़ाम पास्ट में हुआ है उसमें डेटा सफिशियंसी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो डेटा सफिशियंसी में Q1 Q2 यानी Quantity 1 Quantity 2 वाला जो कंपेरिजन वाला क्वेश्चन होता है वो आना ही आना है इस वाले पेपर में। तो ये इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। अब देखते हैं रीजनिंग का पेपर देखिए यहाँ पर एक पज़ल है, डे बेस्ड और मंथ बेस्ड। ये थोड़ा सा लेंदी पजल था, 12 पीपल है और 6 महीना है। एक और पजल है, 9 पीपल नेमली, ये लोग 9 मूवीज लाइक करते हैं और 3 स्टेट्स में काम करते हैं। देखिए इसमें स्टेटमेंट डिसीजन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आया हुआ है इसमें, पिछली बार वाले पेपर में। और ये देखिए इनइक्वालिटी कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। सिलॉग्स आपका सिंपल था, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन आपका कुछ इस प्रकार से था, काफ़ी सिंपल था। आपका कोडिंग डिकोडिंग भी पूछा गया सिंपल, लेकिन आपके यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन भी इसमें आया हुआ है। तो आप फ्रेंड्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन तो शायद आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, लेकिन डेटा सफिशियंसी इस बार इस वाले एग्ज़ाम में दोनों मैथ्स और क्वांट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था पूरा कंप्लीट पेपर, साथ में नीचे सॉल्यूशन भी दिया है। आप इस पेपर को पूरा सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।